एक बार रामानंद जी ने कबीर जी से कहा कि हे कबीर, आज श्राद्ध का दिन है और पितरों के लिए खीर बनानी है। आप जाइए, पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। कबीर जी उस समय 9 वर्ष के ही थे। कबीर जी दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। चलते चलते आगे एक गाय मरी पड़ी हुई थी। कबीर जी ने आसपास घास को उखाड़ कर गाय के पास डाल दिया और वहीं बैठ गए। दूध का बर्तन भी पास ही रख दिया। जब काफ़ी देर हो गई तो रामानंद जी ने सोचा कि पितरों को छिकाने का टाइम हो गया है, कबीर अभी तक नहीं आया, तो रामानंद जी खुद ही चल पड़े। चले जा रहे थे तो आगे देखा कि कबीर जी एक मरी हुई गाय के पास बर्तन रखे बैठे थे। रामानंद जी बोले, अरे कबीर, तू दूध लेने नहीं गया? कबीर जी बोले, स्वामी जी, ये गाय पहले घास खाएगी तभी तो दूध देगी। रामानंद जी बोले, अरे ये गाय तो मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी? कबीर जी बोले, स्वामी जी, ये गाय तो आज मरी है, जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती तो आपके 100 साल पहले मरे हुए पितर खीर कैसे खाएंगे? ये सुनते ही रामानंद जी मौन हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। कबीर जी कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पूजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। ये दुनिया कितनी बावरी है, जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। भावार्थ ये है दोस्तों कि जो जीवित है उनकी सेवा करो, वही सच्चा श्राद्ध है। दोस्तों, अगर आपको ये रचना पसंद आई हो तो आप इस रचना को लाइक करो, शेयर